हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली। आज मैं आप लोगों को वेगा का हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू देने वाली हूँ। इसका रिव्यू मैं आज आप लोगों को दूंगी। वैसे तो ये ऑनलाइन में मिलता है बट मैंने ये अपने पास की शॉप से खरीदा है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है इसकी बॉक्स। और इसको मैंने एक दो बार यूज भी कर लिया है। यहाँ पे इसकी MRP लिखी पड़ी है। और ये एक ऐसी चीज है जो सारी गर्ल्स के पास मिलता है, ज्यादा गर्ल्स के पास ये जरूर मिलती है, जो कि हमारे हेयर स्ट्रेटनर काफी ज्यादा होते हैं। फ्लिप्स का भी है, फ्लिप्स का मैं पहले से रिव्यू दे चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। पर आज मैं वेगा का दूंगी। सो लेट्स गो स्टार्टेड। सो यहाँ गाइस, सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए। कुछ इस टाइप से इसकी बॉक्स है ये, और इसमें यहाँ पे 2 ईयर्स की वारंटी दी हुई है। और यहाँ पे इसमें पावर इंडिकेटर लाइट है और इजी लॉक सिस्टम भी है, और जो है 36 डिग्रीज का टेम्परेचर है। और ये कुछ इस टाइप से है। ये शॉप मतलब ऑनलाइन काफी ज्यादा महंगा मिला है, बट ये 1000 रुपीज का था, मुझे 900 रुपीज में मिल गया है, क्योंकि मेरी पास की शॉप थी तो मैं उनसे ज्यादा सामान लेती रहती, इसलिए वो मुझे लेस कर देते हैं। सो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये है, और मैंने इसको पहले से ही अपने निकाल के रख रखा है। ये और खाली डिब्बा है, ये है इसका पूरा, आप देख सकते हो यह है इसका पूरा। और ये कुछ इस टाइप से है, ये वेगा यहाँ पे लिखा पड़ा है। और ये और यहाँ पे जो है ये लॉक खोलने का और यहाँ पे बंद करने का भी सिस्टम है, बट ये मैंने एक दो बार यूज कर लिया है तो इसका ये इतना ही बंद होता है मेरा। और अगर खोलने पे अगर हम करते हैं इसको तो इतना खुल जाता है ये, और इसको बंद करते हैं, दवाई रखते हैं, फिर ये जो बटन है इसको प्रेस कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो मेरा इतना ही बंद होता है, पहले ही पूरा बंद हो जाता था, पता नहीं क्यों अभी इतना ही बंद होता है। सो और इसकी वायर काफी ज्यादा लॉन्ग है, जितना लॉन्ग होता है उतना ठीक रहता है, आराम से कर लेते हैं। और ये पूरा 90 डिग्री घूम जाता है ये, और कुछ इस टाइप से ये है। और इसमें जो है अंदर यहाँ पे लाइट भी लगी पड़ी है, आपको कैसे ऐसे करके देखिए, यहाँ पे 1 है और 0 है, तो 1 पर ये ऑन हो जाता है, 0 पे बंद हो जाता है। और कुछ इस तरीके से ये है, आप देख सकते हो, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पर मैंने इसको एक दो बार यूज करा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एकदम। ये 2 बार में ही जहां तक ये कर देता है, पर ज्यादा कर ली होते हैं बाल तो आपको करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा मतलब इतने वो नहीं करता हेयर फॉल्स, मतलब बहुत ज्यादा बिखरे बिखरे बाल नहीं हो जाते हैं काफी ज्यादा। इस बिल्कुल इसकी तरह बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं बाल बहुत ज्यादा अगर आप। और इसको वैसे ही एक ऐसी चीज है जो इसको ज्यादा यूज नहीं करा जाता है, जितना यूज करा जाता है फिर आपके बाल ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो इसको जब भी ज्यादा आपके पार्टी वगैरह में इसको यूज करा जाता है। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको, मैं इसकी तरह वायरिंग कर देती हूँ। सो यार गाइस, ये मैंने ऑन कर दिया और ये यहाँ पे लाइट जल रही है, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट जल रही है यहाँ पे, और ये हीट होना स्टार्ट हो गया है। सो इसको 2 से 3 मिनट चाहिए हीट होने के लिए, जब तक मैं इसको साइड में रख देते हैं हम अपने बाल ठीक कर लेते हैं। ये मैंने बाल अपने कॉम कर लिए हैं, सो आपको भी ऐसी कॉम कर लेने हैं पूरे बाल, और आपको हाफ पोनी लेनी है एंड यहाँ पे एक जूड़ा बना लेना है छोटा सा, और पीछे की साइड से बाल छोड़ देना है। मैंने इतने बाल छोड़े हैं ये, सो पहले हम इस पे करेंगे फिर देन इस पे करेंगे, वो भी हाफ साइड मांग करके। सो मैं इसको हाफ ऑफ कर देती हूँ, और हम इसको ऐसे ही नहीं यूज करेंगे। अगर आपके पास जेल है तो आप जेल यूज कर सकते हैं, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया आपको, थोड़ा कुछ ना कुछ तो लगाना है, क्योंकि नहीं तो फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं बाद में। सो मैं अपने हेयर्स पे कभी कभार सेट जेल लगा लेती हूँ कभी कुछ, पर इस बार मैं पतंजलि का सौंदर्य पतंजलि का या एलोवेरा जेल लगाऊंगी, और ये बहुत ज्यादा इजीली आपके घर में होगा। सो मैं इसको अपनी फिंगर पर ले लेती हूँ, और इसको मैं पहले एक साइड लगा लेती हूँ, कुछ इस टाइप से आप लोगों को लगाना है। सो यार गाइस, मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया, आप देख सकते हो, और आपको सबसे ज्यादा इसमें फर्स्ट बात ये होती है कि आपको अच्छी तरीके से कॉम करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगा लिया यहाँ पे, और अब जो है मेरा हेयर स्ट्रेटनर भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है, सो ये हीट भी दे रहा है। सो अब मैं इसको क्या करूंगी, इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ इस लेयर को भी, और ये ऐसे करके पूरे स्टार्टिंग से। और जैसे जैसे बाल होते जाएंगे मैं इनको पीछे करती रहूंगी। दो से तीन बार आपको करना है जिससे कि ये काफी अच्छा हो जाए। और एक बार हम इसको कॉम कर लेते हैं, और एक बार और करेंगे। सो आप देख सकते हो कितने मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं इससे बाल, ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं इससे बाल। अब मैं इसको पीछे की साइड कर दूंगी, और ये वाला जो है इसको करना स्टार्ट कर देते। आपको ऐसे ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, जब पूरे बाल हो जाएंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। और जो मैंने रिव्यू दिया था फिलिप्स का, वो भी काफी ज्यादा अच्छा हेयर स्ट्रेटनर है, वो ज्यादातर वैसे कॉम वाला जो होता है वो ज्यादातर उन बालों के लिए ठीक है जो भारी ज्यादा होते हैं, बाल बड़े ज्यादा होते हैं उनमें ना, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले नहीं चल पाते हैं उसमें, तो इसलिए वो वाले उनके लिए ज्यादा ठीक रहते हैं, पर ज्यादातर ये वाले ज्यादा चलते हैं सबके पास। मैंने भी मुझे भी यही वाला ज्यादा अच्छा लगता है।
और इस वाले से कर्ल भी हो जाते हैं बाल, जिस शेप में करना चाहें उस शेप में भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। और अब मैं इन पूरे को लेकर एक बार और कर देती हूँ उस पर। आप चाहें तो जेल भी लगा सकते हैं, जो बालों के लिए जो जेल होता है, और लिवॉन भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एलोवेरा लगाया है। वैसे तो एलोवेरा तो सबके पास ही होता है, तो आप वही लगाइए। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस इन वाले हेयर्स में और इस वाले में, आप देख सकते हैं। और ये लॉन्ग भी लग रहे हैं वाले, और ये थोड़े छोटे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल शाइनी। और ये वाले पहले वाले ही हैं और बिल्कुल थोड़े रोल हुए पड़े, आप देख सकते हो डिफरेंस। काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे हेयर स्ट्रेटनर, बहुत ज्यादा। अब मैं दूसरी साइड भी ऐसे करूंगी, आपको करके दिखा देती हूँ। पहले एलोवेरा जेल लगाऊंगी, फिर देन ये करूंगी। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो यार गाइस, आप देख सकते हो मैंने इस साइड भी कर लिए हैं और इस साइड भी, और आप देख सकते हो कितने बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं और शाइनिंग भी लग रहे हैं। और अगर आप जेल लगाते हो तो बहुत ज्यादा शाइनिंग लगेंगे, और देन अगर आप नहीं लगाते हो तो फिर वैसे ही सिंपल लगेंगे। सो आप देख सकते हो। और अब हमारी आगे की बारी आती है, तो मैंने कुछ पेंसिल लगा रखी है, पहले मैं वो निकाल देती हूँ। पहले हम इसको जो है ना, इनको पीछे की साइड से एक क्लेचर से बस हल्का सा ही ऐसे डाल देंगे, ठीक है? ज्यादा टाइट या रबड़ नहीं लगाना, रबड़ लगाएंगे फिर वैसी शेप आ जाएगी रबड़ वाली। अब ये जो आगे के बाल हैं इनको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूँ। सो आप देख सकते हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा वैसे बाल हैं, हैवी एंड कर्ली, सो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिंग की ज़रूरत है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्ट्रेट करना बाल। अब मैं एक साइड अपना जूड़ा बना दूंगी छोटा सा, और ये क्लेचर से मैं इसको कर दूंगी। और इस साइड जो है अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ और कॉम कर लेती हूँ। थोड़ा आगे ले आते हैं अपने फेस के। इस साइड जो है मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती हूँ। और अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको पतली वाली साइड से ज्यादा कॉम करना है। तो ये मैंने कर लिया और मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ स्ट्रेट। सो यार गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने आगे की लेयर कर ली है। और अब मैं इसको जो हूँ, आप देख सकते हैं अब ये जो हाफ साइड रह गई है, अब मैं इसको भी करूंगी, इसको मैं पीछे कर दूंगी और वही वाले क्लेचर में। अब ये बचे हैं, अब इसमें भी हम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इस साइड भी कर लिया है, और अब मैं ये खोल दूंगी पीछे से और ये पिन हटा दूंगी। और अब मैं पूरे एक बार फॉर्म कर लूंगी अच्छी तरीके से, अब देख सकते हो। और ये जो है छोटी छोटी, इनको भी मैं स्ट्रेट करूंगी। और कुछ इस टाइप से मैं इसको अभी इस टाइप से स्ट्रेट कर लूंगी। और सो यार गाइस, मैंने यहाँ पे क्लेचर लगा लिया और ये मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। और अब ये इधर की बारी आती है, इधर भी मैं कॉम कर लेती हूँ, एलोवेरा जला लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ पूरा स्ट्रेट करके। सो यार गाइस, मैंने साइड भी कर लिया और मैं आप लोगों का पूरे बाल, सारे बाल खोल के आपको दिखा देती हूँ। सो यार गाइस, आप देख सकते हैं मैंने पूरे बाल पीछे कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा शाइनी लगते हैं। आप देख सकते देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं ऐसे बाल, और मुझे ज्यादा भी स्ट्रेट पसंद नहीं है। सो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हेयर स्ट्रेटनर है, और अब मैं इसको पीछे कर दूंगी। सो बिल्कुल बढ़िया हेयर स्ट्रेटनर है। और इन जो चीजें होती हैं, ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो अपने फेस वेस पे या फिर अपने बालों वालों के लिए, इन सब के लिए तो ब्रांडेड ही चीज लेनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप ऐसी लोकल चीज लेते हो, सो वो जो होती है आपके डैमेज कर देती है सारे हेयर्स, टूटने बहुत लग जाते हैं दो बार ट्राई करने के बाद ही। सो आपको इन चीजों में सब ब्रांडेड ही लेना चाहिए। सो मेरे पास ये वेगा का है, अब वेगा या फ्लिप्स और एक दो और ब्रांड होती हैं उनमें लेनी चाहिए। सो मैं ज्यादा वेगा पर वो करती हूँ, क्योंकि मुझे वेगा ज्यादा अच्छा लगा फ्लिप्स से ज्यादा। सो इसलिए वैसे सबकी अलग अलग चॉइस होती है, बट मेरे हिसाब से ये वाला हेयर स्ट्रेटनर बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। और इसमें जो है
टू ईयर्स की वारंटी है. सो कभी कभार जो होते हैं शॉपकीपर भूल जाते हैं कि हमसे नहीं लिया है. सो इसमें एक ही आता है, सब लिखा हुआ है कैसे यूज करना है, सारी डिटेल्स दी पड़ी हैं इसमें. ये रहा इसकी पूरी डिटेल्स का पर्चा, और इसमें जो है मैंने अपनी डेट लिखवा रखी है यहाँ पर, किस डेट को मैंने परचेज करा था ये, और ये वो सिग्नेचर करा रखे हैं, जैसे कि अगर ये कभी भी कुछ भी हो जाता है इसके अंदर, चलना या गर्म होना बंद हो जाता है, सो ये वो चेंज कर देंगे. और एक और आती है इसमें पर्चा, ये पूरी किताब होती है, आप देख सकते हैं. ये रहा फ्लैट हेयर स्ट्रेटनर, और जो है इसमें भी सब कुछ दिया पड़ा है, ऑन ऑफ का सारा स्विच और सब कुछ दिया पड़ा है इसमें, बटन बटन के बारे में सब कुछ इसमें सारी चीज़ें दी पड़ी हैं, ये आप देख सकते हो. सो जिनको नहीं आता यूज़ करना, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसमें सब कुछ दिया हुआ होता है, तो आप जाके देख सकते हैं. और आप देख ही सकते हैं मेरे बाल कि किस टाइप से इन्हें करा है और कितनी देर में करा है. इसमें 3 से 4 बार तो करना ही है, उसमें एकदम से स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं हेयर्स. सो मैंने भी 3 से 4 बार ही करा है, उसमें सारे हेयर्स मेरे फ्लैट हो गए, और आप देख सकते हैं. और ये वाले जो हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, इनसे कर्ल भी कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके कर लेते हैं, या फिर पेंसिल लगा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इनके फायदे होते हैं ऐसे वाले हेयर स्ट्रेटनर के. सो यार, अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो उसको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू.